भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। जी हां, इसमें गुजरात से भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और महाराष्ट्र से अशोक चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की तरफ से जारी लिस्ट में राज्यसभा के लिए 3 नाम महाराष्ट्र से भी हैं। हाल ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए राज्य के पूर्व सीएम अशोक चौहान को पार्टी ने महाराष्ट्र से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए उम्मीदवारों को एक और लिस्ट जारी की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को गुजरात से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया है, तो वहीं महाराष्ट्र से अशोक चौहान और मेधा कुलकर्णी को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की तरफ से जारी लिस्ट में 7 लोगों के नामों का जिक्र किया गया है, जिनमें से 4 को गुजरात और 3 महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी की तरफ से जारी लिस्ट में पहले नंबर पर जेपी नड्डा का नाम सामने आया है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर गोविंद भाई ढोलकिया, तीसरे नंबर पर आरआर मयंक भाई नायक और चौथे नंबर पर जसवंत सिंह सलाम सिंह परमार का नाम शामिल है। इन चारों को बीजेपी ने गुजरात से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से जारी लिस्ट में राज्यसभा के लिए 3 महाराष्ट्र से जो है नाम सामने आया है। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए राज्य के पूर्व सीएम अशोक चौहान को पार्टी ने महाराष्ट्र से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। वही लिस्ट में 2 अन्य नाम मेधा कुलकर्णी डॉक्टर अजीत गोपछड़े के हैं। बीजेपी ने अशोक चौहान, मेधा कुलकर्णी और डॉक्टर अजीत गोपछड़े को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजने का जो है फैसला लिया है। तो बता दें आपको कि रविवार को पार्टी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई अन्य राज्यों के लिए उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया था। पार्टी ने सुधांशु त्रिवेदी को एक बार फिर से राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। उनको यूपी से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं हरियाणा से सुभाष बराला को राज्यसभा भेजने का फैसला पार्टी ने लिया है। बात अगर बिहार की करें तो एनडीए से 3 लोगों को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया गया है, जिनमें 2 नाम बीजेपी से हैं। पार्टी ने धर्मशीला गुप्ता, भीम सिंह को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही पहली बार राज्यसभा जाएंगे। दोनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है।